साथियों, जॉयफुल स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के सागर संभाग के जिलों को एक आसान सी ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश के सागर संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। उनमें से एक संभाग है सागर संभाग। साथियों, सागर संभाग के अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं। देखते हैं वे 6 जिले कौन कौन से हैं। पहला जिला है सागर जिला, दूसरा है छतरपुर जिला, तीसरा है टीकमगढ़ जिला और चौथा जिला है निवाड़ी जिला, पांचवा है पन्ना जिला और छठवां जिला है दमोह। इस प्रकार से साथियों, सागर संभाग के अंतर्गत सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना और दमोह जिला आते हैं। साथियों, इन 6 जिलों को हम एक आसान सी ट्रक से याद करने का प्रयास करेंगे। साथियों, मुझे विश्वास है आपको ट्रक जरूर पसंद आएगी। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि वह ट्रक क्या है जिसके माध्यम से हम सागर संभाग के जिलों को आसानी से याद कर सकते हैं। साथियों, ट्रक है सागर ने छटनी से पद लिया, सागर ने छटनी से पद लिया। साथियों, इस आसान सी ट्रैक के माध्यम से हम सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। साथियों, आइए देखते हैं ट्रैक में आए शब्दों का क्या तात्पर्य है। साथियों, ट्रक में पहला शब्द है सागर। सागर से तात्पर्य है सागर संभाग और सागर जिला। अगला अक्षर है ने। साथियों, ट्रक में ने शब्द साइलेंट है। साथियों, ट्रक में अगला अक्षर है छा। छा से तात्पर्य है छतरपुर जिला। साथियों, छतरपुर जिले की स्थापना महाराजा छत्रसाल ने की थी। साथियों, ट्रक में अगला अक्षर है टा। टा से तात्पर्य है टीकमगढ़ जिला। साथियों, ट्रक में अगला अक्षर है नी। नी से तात्पर्य है निवाड़ी जिला। साथियों, निवाड़ी जिला की स्थापना 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी। इसे टीकमगढ़ जिले से काटकर बनाया गया है। ट्रिक में से शब्द साइलेंट है। साथियों, ट्रिक में प अक्षर से तात्पर्य है पन्ना जिला, जिसे आंवला जिला भी कहा जाता है और यह है पूरे भारत में हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, ट्रक में द अक्षर से तात्पर्य है दमोह जिला। साथियों, ट्रक में लिया शब्द साइलेंट है। साथियों, इस प्रकार से इस छोटी सी ट्रक सागर ने छटनी से पद लिया के माध्यम से सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको यह ट्रिक जरूर पसंद आई होगी। साथियों, आपको हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।